धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो। हाँ बाल तो देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस फाइन अस्वती वर्मी आर एंड बज कोई है 9 बजे है ना गाइस। ओके, टाइम नहीं देखा है लेकिन फिर भी मैंने ना फटाकड़ा फोड़ दिया 9 का लेकिन सही में 9 ही बजा है। यहाँ पे है जागृति बहन, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। अच्छा बहन, गुड मॉर्निंग, इधर इधर ही, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, केम छो? मजा मा तुम केम छो? अब मैं तो बहुत मजा मा। ओके, आज मंजा बेने गीत गाने वाले है ना? हमें तो गाई ली शादी वाले लग रही है, शादी वालों गाई पता है बात है। इमा इमा जागो तो बेन, इसमें क्या करने का है? हमारू हमारी कड़ी सुधारने का है। हाँ ओके, कड़ी सुधार लेना कल। हाँ कल गाना, आज तो जागृति बहन दो लाइनें गाएंगे और दो लाइनें बोलेंगे भी। आज तो वाह वाह, थोड़ा चेंज होना रखना चाहिए। अच्छा चलिए, आज की अर्ज क्या है? आज की जो अच्छी लाइन है वो किसी दिल पे मत लगाना। मंजिल मंजिल पे विश्राम होता नहीं, हर मंजिल पर विश्राम मिलता नहीं, हर साथ चलने वाला साथी होता नहीं। बहुत मिलते हैं इस छोटी सी जिंदगी में, पर हमें पसंद आए वैसा कोई मिलता नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या क्या बात बोली आपने, क्या उनसे बिन बहुत ही अच्छी लाइन बोली आपने। कभी कभी होता है ना, बहुत मस्त बोली। जैसे मेरा भाई है, उसके लिए अगर मैं अगर लड़की देखूँ उसने कुछ और पसंद किया होता है तो मुझे लगता है वाह कितनी सुंदर दिख रही है, ये मेरी भाभी होनी चाहिए या कुछ भी। मेरा भाई ये टी शर्ट मेरे भाई पे अच्छी लगेगी, मेरी सिस्टर पे अच्छी लगेगी, या मेरी सिस्टर के बच्चों पे या मेरे बच्चों पे अच्छी लगेगी। पर ऐसा होता है ना कभी कभी हमने खुद के कपड़े पहने होते हैं ना तो अच्छे नहीं दिखते, हमारी पसंद अच्छे नहीं, बस दूसरे को अच्छा दिखता है कि ये वाह तूने कितना अच्छा कपड़ा पहना है। क्या बात बोली, ऐसे होता है, ऐसा होता है, होता है। तो ये जो हमें पसंद आता है वो कभी कभी अच्छा होता नहीं, हाँ ऐसा है। और जो दो लाइन है अभी गाने वाली लाइन बोल दो, हमारे गा दो भी बोल दो, नहीं गा दो। जो हमारे जो कृष्ण भगवान है जो हमारी रुक्मिणी माता से ब्याह करने जाते हैं तो हमारा बहुत मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है वो भी, तो गुजराती में है। वागे ढोल सरनाई ने वाजा, यस वागे ढोल सरनाई ने वाजा, रण छो बनिया छे वर राजा, रण छो बनिया छे वर राजा, अंगे सोबे के सरिया वागा, ए अंगे सोबे के सरिया वागा, रण छो बन्या छे वर राजा, रण छो बन्या छे वर राजा। तो आज की लाइन है, वेरी नाइस है, कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छा। कोई प्रोफेशनल सिंगर है नहीं पर ऐसे नहीं, बहुत ही अच्छा गाया आपने, ये अच्छा लगा मुझे भी पर्सनली। मैंने वो जब आए यहाँ पे वो आए थे ना लास्ट ईयर, जिग्नेश दादा, हमने सुना था, बहुत ही जब वो गाते हैं ना, ओ माय गॉड, इतना अच्छा लगता है, ऊपर हो रहे हैं रुवाटे खड़े हो जाते हैं ना वो जब हो जाते हैं, सो बहुत ही बढ़िया, मुझे भी ये अच्छा लगता है। लेकिन घर जाकर सुनना बहुत अच्छा, म्यूजिक के साथ अच्छा लगता है, म्यूजिक के साथ इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं मैं, है ना, बताने के लिए कुछ बोले नहीं है। यूट्यूब पे लगा के मनसा बहन सुनना,
सुनना है ना, बहुत अभी वो ना लिख लिया अभी वो। हाँ। कोई नहीं, चलो दी कंटिन्यू व्लॉग में तक रहना। तो जी गाइस गुड आफ्टरनून, बज गए हैं 3:05 हो गए हैं और पापा गए हैं हर्षिल को पिक करने के लिए, सो भी दिखे नहीं है और बारिश भी आने वाली है और मैं ना यहाँ पे खाना बना रही हूँ। ये भाई साहब अभी यहाँ पे खेल रहा है, चलिए भाई वो आवा भी आएगा। ओके सो आज ना खाने में बन रहा है अंडे की सब्जी, तो मैंने ऑलरेडी तड़का लगा दिया है ऑनियन टमाटो के साथ, यहाँ पे हमारा रेगुलर मसाला हल्दी एंड धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे अंडे को भी मैंने इसको बॉईल करके इसकी स्किन निकाल ली है। सो अंडा हो गया है और साथ ही साथ बनेगी वेजिटेबल सब्जी। तो यहाँ पे सारा कुछ रेडी कर दिया है, ये टमाटर इसमें जाएगा, तो ब्लैक चने की सब्जी बनेगी और अंडा करी बनेगी। तो यहाँ पे देखो भाई ये दोनों पक गए हैं, अभी हम डालेंगे ये मसाला। तो पहले मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से पहले हिला लेती हूँ इसको, अच्छे से मिक्स करके फिर तो इसको कुछ इस तरीके से पानी डाल के पूरा अच्छे से घुमाऊँगी, सारा मसाला पानी में फैला दूँगी। देखो भी पूरा मसाला चला गया है और अभी इसको अच्छे से घुमाएंगे और इसको पकाएंगे जब तक ये ना पक ना जाए, तब तक इसको पकाना है। इसमें से तेल छोड़ने लगेगा ये मसाला, तब तक पकाएंगे। अभी इसको हिलाते रहने का है, कंटिन्यू हिलाते रहूँगी, बीच बीच में थोड़ी देर रहने दूँगी, उसके बाद हिलाते रहूँगी ताकि मसाला नीचे ना बैठे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मसाला पक गया है और छोड़ने लगा है ये मसाला, तो अभी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे अंडे को और उसके बाद थोड़े ग्रेवी के हिसाब से ग्रेवी रखेंगे। अभी ये जा रहा है अंडा और एक बड़ा रह गया है, छोटा होना पड़ेगा बड़ा। सो भाई फाइनली अंडा कड़ी हो गई है रेडी, देख लो भाई बहुत ही बढ़िया उबाल आ रहा है उसमें।